अलग क्यों हो जाते हैं? ऐसा नहीं है कि उनका कहा सुनी नहीं होती थी पहले, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की बातें नहीं काटते थे, सब कुछ करते थे फिर भी एक छत के नीचे रहते थे। ऐसा कौन सा मोड़ जिंदगी में आता है दो भाई अलग हो जाते हैं? एक शेर ने दिलेरी की है, बाकी तो ये सब मिमिया रहे हैं, घर जाके फिर क्लास लगेगी। एक तो जिंदा शेर खड़ा हुआ, ध्यान रखना। कोई बात नहीं, मेरी सभा में शेर बन जाओ, नहीं तो हालात तो ऐसे। एक आदमी को मैंने देखा, क्यों रे तू ऑफिस में बड़ा शेर बना घूमता है, दुकान में बड़ा शेर बना घूमता है, घर में जाके तुझे क्या हो जाता है? बोले महाराज शेर तो मैं घर में भी रहता हूँ, लेकिन घर में जाता हूँ तो दुर्गा जी ऊपर बैठ जाती है, इसलिए मैं भीगी बिल्ली हो जाया करता हूँ। एक शेर मिला, ध्यान रखना मान्यवर। और आनंद तो इस बात का है कि जिसके लिए बोल रहा है वही तालियां बजा रही है, क्या बात है, ध्यान रखना। दो खून एक रहते हैं, एक खून एक ही घर में पैदा होने वाले एक साथ रहा करते हैं मान्यवर। ना जाने जिंदगी में ऐसा कौन सा खून आ जाता है जो एक खून को दो करने का प्रयास करता है, ध्यान रखिए। एक खून आ जाता है दूसरे घर का, ध्यान रखना, वो आके एक घर के खून को बांट दिया करते हैं। मुझे क्षमा करें, बात सच है, गलत नहीं है, छोटी है लेकिन सच है। ऐसा क्या जीवन में घट गया तुम्हारे? कल तक तो ये हाल था कि चार भाई एक थाली में भी खा लेते थे, अरे जिस बाप ने इस घर को चार बेटियों को पाल पोस करके विवाह करके विदा कर दिया, उस समय वह घर छोटा नहीं लगा। एक बहू क्या आती है, वो कहती है कि मकान छोटा है, ध्यान रखना। जहां चार चार बेटियां पल गईं, जहां चार चार बेटे पल गए, उनके लिए मकान छोटा नहीं लगा। एक क्या सहजादी आ जाती है, उसे मकान छोटा लगता है, ध्यान रखिए मान्यवर। एक परिवार की चर्चा कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। एक खून ऐसा आ जाता है हमारे घर में जो हमारे खून को बांट देता है। भाई भाई के खून तो एक ही हुआ करते हैं, पराया खून आता है। एक बात का दुख तो तब होता है कि जिस खून को बड़े बाजे गाजे के साथ विवाह करके लाते हैं, एक बात याद रखना, वह खून जो शादी करके घर में आता है, मैं कहता हूं वो खून ऐसा पराया खून है, वो कभी इस घर को अपना घर नहीं समझ पाता है, कभी इन मां बाप को अपना मां बाप नहीं समझ पाता है, कभी देवर को भाई नहीं समझ पाती है, कभी ननंद को बहन नहीं समझ पाती है, वो हमेशा दूरियां बना करके रहा करती है। एक बात याद रखना, यदि इस घर को अपना घर मान लिया होता तो आज ये दशा घरों की होने वाली नहीं थी। एक बात स्मरण में रखना, यदि ये घर तुमने अपना घर माना होता तो कभी तुम अपने पति से ये नहीं कह रही होती, शाम को जब वो थका हारा लौट करके आता है, भोजन करता है, कमरे में जाता है, वहां पर शिकायतों की लिस्ट तैयार रहा करती है, तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा कहा, तुम्हारे पिताजी ने मुझे ऐसा कहा, तुम्हारे भाई ने मुझे ऐसा कहा, क्या करे वो बेचारा, वो लड़का ना पत्नी का हो पाता है, ना माँ का हो पाता है, ना परिवार का हो पाता है, ना वो इधर कुछ बोल पाता है, ना उधर कुछ बोल पाता है। पहले तो कहा जाता था कि बेटियां जाके ससुराल में दुखी होती हैं, वो चार लोगों को दुख बता देती हैं, लेकिन ये कुंवारे छोरे जब शादी शुदा हो जाते हैं ना, माँ का पक्ष लेते हैं तो पत्नी आंख दिखाती है, और पत्नी का पक्ष लेते हैं तो माँ आंख दिखाती। स्थिति बहुत गंभीर है लेकिन नियंत्रण में है, जब तक पुलक सागर मौजूद है तब तक नियंत्रण में स्थितियां रहेंगी आपके घरों की। बहुत परेशान हो जाता है वो, जब वो बेटा समझाता है कि माँ बूढ़ी है, बुजुर्ग है, कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, क्या होता इसमें, क्या बुरा मानना, सुनो माँ तुम्हारी है, तुम सुनो, हम सुनने वाले
नहीं। अत श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज, ध्यान रखिए, वहीं से महाभारत शुरू हो जाया करती है। तीनों भाई मेरे पास आए आकर के, उन्होंने कहा महाराज हमें एक कर दीजिए। मैंने कहा तुम तो एक हो। बोले हम दिल से तो एक हैं, लेकिन हम एक साथ रह नहीं सकते हैं। मैंने कहा वजह क्या है? बोले हमारी पत्नियों की आपस में बनती नहीं है, देवरानी की जिठानी से नहीं बनती, जिठानी की देवरानी से नहीं बनती है, एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं, बात करना पसंद नहीं करते हैं, और उसका दुष्परिणाम हम भाइयों के जीवन में दिखा करता है। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं सूरत वालों कि एक बड़े पिताजी अपने भतीजे को यदि 100 रुपए भी देते हैं ना, तो पत्नी से छुप छुप के दिया करते हैं, पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए। एक भतीजा जब अपने ताऊ के पास जाता है, यदि उसे कुछ लेना है ना, तो छुप करके। मैंने ऐसे भी घर देखे हैं कि तीज त्योहार पर भी बहू बेटियां जब आती हैं, सावन मनाने जब बेटी आती है ना, तो एक माता पिता छुप छुप कर बच्चों से अपनी बेटियों को उपहार दिया करते हैं, उन्हें मिठाई दिया करते हैं, उन्हें साड़ी दिया करते हैं। बड़ा भाई कहता है देख तेरी भाभी को पता ना चल जाए, चुपचाप इसे रख ले बहन। ऐसे भी माहौल बन गए हमारे घरों में कि हमें छुप छुप कर व्यवहार निभाना पड़ते हैं, छुप छुप कर मिलना पड़ता है। उन तीनों भाइयों ने कहा कि आज हम आपके चरणों में आए हैं महाराज, हम छिप छिप कर तीनों आए हैं, हमारी पत्नियां नहीं चाहती हैं कि हम एक साथ बैठें, हमारी पत्नियां नहीं चाहती हैं कि हम भाइयों में प्रेम होना चाहिए। पहले तो वो समय था कि बड़ा भाई कुछ बोल दे तो छोटा भाई चुप हो जाता था, और आज महाराज जब मैं चुप होता हूं ना, तो मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि अब नहीं बोलोगे बुद्धू राम तो कब बोलोगे, जिंदगी ऐसे ही गुजार दोगे, अपने बारे में कुछ नहीं सोचना है, सब भाइयों का करते रहोगे, इतने उलाहने मिलते हैं। बहुओं से मेरा निवेदन है, एक निवेदन स्वीकार करो, एक बात बताना ईमानदारी से, जब जब सावन आता है ना, किसकी याद आती है? एक बात ईमानदारी से, भाई की आ रहा है ना सावन, भाई की याद आती है ना, भाई से मिलने का मन करता है ना कि जाकर के उसे राखी बांधू रक्षाबंधन पर। हर साल 6 महीने में, 4 महीने 6 महीने में मन करता है कि भाई से बात कर लूं। 4-6 महीने तो बहुत, अब तो मोबाइल है ना, तो रोज ही रोज बात होती है, सुबह शाम बात हो जाया करती, भैया से बात कर लूं, भाभी से बात कर लूं, कितना मन करता है अपने भाई से मिलने का। देवियों जरा इतना बता दो, जब दूर पीहर में तुम्हारा भाई रहता है, हर त्योहार में मिलने का मन करता है, भाई से बात करने का मन करता है, उसे उपहार देने का मन करता है, तो एक बात इतनी तो बता दो, इनका भी तो भाई है, कोई दुश्मन नहीं है, इनका भी तो मन करता होगा अपने भाई से मिलने का, इनका भी तो दिल करता होगा अपने भाई से मिलने का। अरे जैसे तुम्हारा भाई है वैसे इनका भी भाई हुआ करता है। नफरत के बीज मत बोइए, किसी घर को स्वर्ग बनाना है, मंदिर बनाना है, एक बात रखना, जो घरों का बंटवारा करती है वो बहू होती है, और जो घरों को एक करती है वो बहू रानी हुआ करती है, उसे गृह लक्ष्मी कह करके बुलाया जाता। ये इल्जाम तुम्हारे सिर पर आ रहा है कि पत्नियों ने आकर दो भाइयों को जुदा कर दिया। कभी अपने मकान की दीवारों पे कान लगा के सुनना, उन दीवारों से आवाज आती है, वो दीवारें आपस में बात करती हैं कि हम चार दीवारों ने एक छत को बांध रखा है, हम चार दीवारों ने एक घर को जोड़ के रखा है, हम खड़े रहते हैं, बनाने वाला बिखर जाता है। एक ईंट से जब ईंट जुड़ती है ना, तो मजबूत दीवार खड़ी होती है, ईंट को ईंट से जोड़ना पड़ता है तब मजबूत मकान बना करता है। दिल को दिल से जोड़ो तो घर का निर्माण हो जाया करता है, घर बन जाया करता है, परिवार बन जाया करता है। ईंट से ईंट जोड़ो तो मकान बनता है, और दिल से दिल जोड़ो तो रिश्ते बना करते हैं। ध्यान रखना, मकान कहता है हम तो वहीं खड़े हैं, ये बिखर गए हैं। ध्यान रखना मान्यवर,
ईंट से ईंट जोड़ने से मकान में मजबूती आती है और मन से मन जोड़ने से परिवार में मजबूती आती है। ध्यान रखना, आपसे इतना निवेदन, इतनी पढ़ी लिखी हो गई ये दुनिया, इतनी तरक्की कर ली शिक्षा ने कि लोग मंगल ग्रह में जाने को तैयार है। सारी दुनिया मंगल ग्रह को ढूंढ रही है, वहां मकान ढूंढ रही है, वहां जीवन ढूंढ रही है, चांद पर जीवन ढूंढ रहे हैं लोग। मैं पुलक सागर कहता हूं, मंगल में जीवन मत ढूंढो, जीवन में मंगल ले आओ, तुम्हारा जीना सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा जीना धन्य हो जाएगा। जीवन में मंगल ले आओ, मंगल में जाने की जरूरत क्या है, हमारे यहां तो मंगल को अपने दिलों में उतार करके रखा कर जीवन में मंगल लाने का प्रयास करिए। भाई बहुत दुखी थे, मिल नहीं पाते थे। उन्होंने कहा कि आप कुछ प्रयास करो महाराज। एक बात याद रखना, मकान की वजह से अलग हो जाओ कोई बात नहीं, मकान छोटे हैं परिवार बढ़ रहा है अलग होना पड़ता है, मकान की दूरियां चल जाएंगी लेकिन दिलों की और मन की दूरियां नहीं चलना चाहिए। मकान की वजह से दो भाई अलग रहें तो चलता है, लेकिन मन की वजह से दो भाई अलग हो जाएं ये बर्दाश्त नहीं होता। ध्यान रखना, मकान का बंटवारा फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है, दुख तो इस बात का है कि मकान के बहाने हम संपत्ति का बंटवारा नहीं करते हैं, अपनी संवेदनाओं का बंटवारा कर देते हैं, अपनी भावनाओं का बंटवारा कर देते हैं। तीनों भाई बहुत दुखी थे, दुखी रहेंगे जब तक प्रवचन पूरा नहीं होगा। ध्यान, अभी तो वहीं बैठे हैं तीनों, हमें एक कर दो महाराज। हम सबके बच्चे हैं, स्थिति तो ये आ गई है कि जिठानी का बच्चा भी देवरानी के घर में खेलने चला जाए तो जिठानी रोक देती है, वहां मत जाओ चाची अच्छी नहीं है, वहां मत जाओ दादी अच्छी नहीं है, वहां मत जाओ बड़ी मम्मी अच्छी नहीं है। क्या बीज बो रहे हैं आप अपने बच्चों पर? ऐसा बीज बोते 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 एक दिन वृक्ष बन करके खड़ा हो जाएगा। ध्यान रखिए, दादी अच्छी नहीं, चाची अच्छी नहीं, उनके पास मत जाओ, ये हमारा घर ये उनका घर। विचार करिए, बचपन में तो कहते थे भाई जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है, अब कहते ये तेरा है और ये मेरा है। ध्यान रखिए, क्या क्या नजारा तुम्हारे घरों का हो गया है। मान्यवर, तेरे मेरे के बीज मत बोइए। बहुत दुखी हुए वो तीनों भाई। आप कुछ प्रयास कर सकते हैं, क्या प्रयास करेंगे? प्रयास तो तुम्हें करना होगा, तुम भी क्या करोगे? एक दिन हो, दो दिन हो, तीन दिन हो तो आदमी एडजस्टमेंट करता है, रोज रोज वही बातें। मान्यवर, घरों को मत उजाड़िए, जब से एकल परिवार हुए हैं ना तब से डिप्रेशन बढ़ गया है, तब से तनाव बढ़ गया है, तब से बीमारियां बढ़ गई हैं। और जब सामूहिक परिवार हुआ करते थे, संयुक्त परिवार हुआ करते थे, गुस्सा तो उस समय भी आता था, एक को आता था दूसरा संभाल लिया करता था, दूसरे को आता था तीसरा गले लगा लिया करता था, पापा ने मारा तो चाचा छाती से लगा लिया करते थे, संवेदनाएं थी, आज वो खत्म हो गई हैं। आज घर में चार सदस्य भी नहीं है, अब झगड़ा होता है तो कोई किसी को संभालने वाला नहीं है, बचाने वाला नहीं है, इतना अकेला हो गया आदमी, इतना अकेला हो गया कि मोबाइल तो महंगा महंगा रखता है लेकिन इतना अकेला हो गया कोई फोटो खींचने वाला नहीं मिलता, स्वयं की सेल्फी अपने हाथ से खींचा करता है, कोई तुम्हारी तस्वीर लेने वाला दिखाई नहीं दिया करता है, खुद ही सेल्फी लिए जा रहे, खुद ही बने जा रहे हो हीरो। ध्यान रखना, बट गए घर टूट गए परिवार। मान्यवर, बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है,
जितने एक तुम यहां बैठे हो ना, जब पंडाल एक होता है तो मुझे खुशी मिलती है, और जब घर एक होता है तो परमात्मा को खुशी मिला करती है। एक बात, जब परिवार एक होता है, दिल से दिल जुड़ते हैं,